please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई के घाटकोपर में एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में अब तक मिली जानकारी के हिसाब से पायलट समेत 5 लोगों की जान गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। मरने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें एक विमान की को पायलट थी। यह हादसा घाटकोपर के सर्वोदय नगर इलाके में दोपहर 1:35 पर हुआ, जिसमें एक पायलट, 3 अन्य लोग और एक राहगीर की मौत हुई है। जानकारी ये भी है कि विमान 2014 तक यूपी सरकार के पास था और उसके बाद यूपी सरकार ने इसे बेच दिया था। इस विमान ने जुहू एयरबेस से उड़ान भरी थी और टेस्ट फ्लाइट पर था, लेकिन इसी दौरान विमान का इंजन फेल होने की वजह से हादसा हुआ। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाई और विमान को खाली जगह ले जाया गया, जहां निर्माणाधीन इमारत पर विमान गिर गया। फिलहाल विमान हादसे की जांच के लिए डीजीसीए की मुंबई के लिए टीम रवाना हुई है। हमारे साथ अमन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमन, अभी फिलहाल क्या चल रहा है वहाँ पर? जी देखिए, इस वक्त अभी भी जो लोग हैं वो एनडीआरएफ के हो या फिर इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड के जवान हो, साथ ही पुलिस हो, जांच करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे घटनास्थल जहाँ पे ये प्लेन गिरा है। इस वक्त हम जो निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास ये हादसा हुआ उसी के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह किस तरह जो ये पूरा प्लेन जो चार्टर्ड प्लेन है वो क्रैश हुआ था। आप साथ ही देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ की टीम है, साथ ही एविएशन से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार जाँच कर रहे हैं। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस पूरे हादसे में जो एयरक्राफ्ट का जो ब्लैक बॉक्स था वो मिल चुका है। हालांकि अब तक ये इसकी आधिकारिक जॉब पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो लोग यहाँ पे जांच के लिए पहुँचे हैं उनके मुताबिक ब्लैक बॉक्स उनको मिल चुका है और लगातार वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। जो हादसा हुआ है, जिस वजह से ये हादसा हुआ उसका कारण पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं साथ ही दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि हम पहले भी हमने बताया कि इस पूरे हादसे में कहीं ना कहीं पायलट की काफ़ी सूझबूझ नज़र आई। ये इलाका आप देख सकते हैं कि पूरा रिहायशी इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह रिहायशी इमारतें हैं, चारों तरफ से रिहायशी इमारतें और उसके बीच ये जो एयरक्राफ्ट है वो आकर गिरा। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जाहिर तौर पर बहुत मदद होगी, लेकिन लगातार रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के। सब चालू किया उन्होंने काम, ज्यादा दिक्कत आई फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को? नहीं आई, लेकिन घटना घटने के बाद आधा पौना घंटे में सब लोग पहुंचे यहाँ पे। अमन, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे वो इस हादसे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ब्लैक बॉक्स इस हादसे में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले भी ये विमान हादसे का शिकार हुआ है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसे एक लापरवाही से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि जिस तरह से इसे फ्लाइंग टेस्ट कराया जा रहा था, ये सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही भी दिखती है। निश्चित तौर पर ये लापरवाही दिखती है क्योंकि यही वो एयरक्राफ्ट है जो पहले भी क्रैश हो चुका है और जो आज की घटना की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट आज फिर टेस्टिंग के लिए ही उड़ाता है। ऐसे में जो कि लोग भी इस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे, को पायलट भी मौजूद था, ये इंजन फेल होने की जो बातें अब तक सामने है कि इंजन फेलियर के कारण ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्रैश हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर लापरवाही यहाँ पर साफ नज़र आती है क्योंकि ऐसा ही एयरक्राफ्ट जो पहले भी क्रैश हो चुका था। जी, और फिलहाल जो लोग प्रभावित हुए हैं इस हादसे में उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, इस हादसे में जो लोग, 2 इंजीनियर इस प्लेन में मौजूद थे, साथ ही 2 पायलट थे जो जिनकी घटना स्थल पे ही मृत्यु हो गई, साथ ही एक राहगीर जो यहाँ से जो गुजर रहा था वो इस एयरक्राफ्ट की चपेट में आ गया, उसकी भी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 लोग जो घायल है उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, पास ही के सरकारी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया है जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। जी, ब्लैक बॉक्स चूंकि मिल चुका है अमन, तो ऐसे में हालांकि समय जरूर लगेगा, लेकिन एक आकलन फिलहाल क्या बताया जा सकता है कि कितना समय लगेगा ताकि ये पूरी स्थिति साफ हो पाए कि आखिर ये हादसा हुआ किसे और किन हालात में ये क्रैश हुआ है विमान? निश्चित तौर पे जो प्राथमिक जानकारी है वो यही उससे यही पता चलता है कि इंजन फेलियर के कारण ये प्लेन क्रैश हुआ है यहाँ पर, लेकिन पूरा जो क्रैश की वजह क्या थी, चूँकि ब्लैक बॉक्स ऐसा उपकरण होता है जो जिस वक्त ये हादसा जो प्लेन में मौजूद होता है उसमें जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो रिकॉर्ड होती है, तो जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पायलट हो या फिर दूसरे जो ATCs हो या फिर दूसरे जो अधिकारी जो कम्युनिकेशंस कर रहे थे वो रिकॉर्ड उस ब्लैक बॉक्स में होगी, तो निश्चित तौर पर जब ब्लैक बॉक्स की जाँच होगी उसमें से चीज़ें जब बाहर आएंगी, पता लगेगा, रिकॉर्डिंग जब उसमें पता चलेगा कि क्या कम्युनिकेशन हुई थी,
तो इस घटना की जो पुख्ता तौर पे कोई भी जानकारी सामने आ पाएगी। चूंकि निर्माणाधीन बिल्डिंग पर ये क्रैश हुआ है और जाहिर तौर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, इस बीच जो अहम बात है वो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, वो ये कि ब्लैक बॉक्स इस विमान का मिला है जिसके जरिए अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी और ये जाना जाएगा कि आखिर इंजन फेल होने के दरमियान क्या हालात बने थे, किस तरह की सिचुएशन रही थी। अमन शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर मुंबई विमान हादसे से जुड़ी हुई, इस वक्त आप देख रहे हैं हादसे का शिकार विमान यूपी सरकार से UY कंपनी को बेचा गया था। विमान के मालिक यूपी के कानपुर के रहने वाले गुटखा कारोबारी दीपक और उदय कोठारी हैं। मुंबई के जुहू में इनका बंगला है। जानकारी के मुताबिक विमान के मालिक अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और अखिलेश सरकार में ही उन्हें प्लेन बेचने का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इधर यूपी में संत कबीर नगर मगहर पहुंचे पीएम मोदी ने एक साथ कांग्रेस और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस देश में आपातकाल लगाने वाले और आपातकाल का विरोध करने वालों ने कुर्सी और बंगले के लिए कंधे से कंधा मिला लिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर पीएम ने तंज कसा कि यूपी सरकार को गरीबों की जगह अपने बंगलों में ज्यादा दिलचस्पी थी, समाजवाद और बहुजन की बात करने वालों का सत्ता के लिए लालच साफ दिखाई दे रहा है। अभी दो दिन पहले ही देश में आपातकाल की 43 साल हुए। सत्ता का लालच ऐसा है कि आपातकाल लगाने वाले और उस समय आपातकाल को विरोध करने वाले आज कंधे से कंधा मिलाकर कुर्सी झपटने की फिराक में घूम रहे हैं। ये देश नहीं, समाज नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितों के लिए चिंतित है। उन लोगों का मन लगा हुआ है अपने आलीशान बंगले से। मुझे याद है जब गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई तो यहां जो पहले वाली सरकार थी उनका रवैया क्या था। हमारी सरकार ने चिट्ठियां लिखी, अनेक बार फोन पर बात की गई। उस समय की यूपी सरकार आगे आए, गरीबों के लिए बनाए जाने वाले घरों की कम से कम संख्या तो बताएं, लेकिन वो ऐसी सरकार थी जिनको अपने बंगले में रुचि थी लेकिन वो हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहे। साथियों, आपने तीन तलाक के विषय में भी इन लोगों का रवैया देखा है। देश भर में मुस्लिम समाज की बहनें आज तमाम धमकियों की परवाह न करते हुए तीन तलाक हटाने, इस कुरीति से समाज को मुक्ति के लिए लगातार मांग कर रही है। लेकिन ये राजनीतिक दल, ये सत्ता पाने के लिए वोट बैंक का खेल खेलने वाले लोग तीन तलाक के बिल के संसद में पास होने पर रोड़े अटका रहे। ये अपने हित के लिए समाज को हमेशा कमजोर रखना चाहते, उसे बुराइयों से मुक्त नहीं देखना चाहते। इधर मायावती ने पीएम मोदी पर संत कबीर को चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। देश में जब लोकसभा का आम चुनाव नज़दीक आ चुका है तो अब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हमारे संत कबीर की याद आ रही है, जो उनकी ये वोट बैंक की स्वार्थी राजनीति नहीं है तो वो क्या है। ये सब बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की, माननीय प्रधानमंत्री की ये वोट बैंक की स्वार्थी राजनीति नहीं है तो और क्या है।
गोंडा में बड़ी तादाद में जुटे लोग एक ट्रैक्टर के शोरूम में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि वहां एक शादी समारोह में हो रही आतिशबाजी से शोरूम में आग लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैली और उसकी चपेट में पूरी इमारत आ गई। बताया जा रहा है कि वहां पास में ही एक मैरिज हॉल में आतिशबाजी हो रही थी, जहां से चिंगारी ट्रैक्टर शोरूम तक पहुंची। आरोपी की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां देर से पहुंची। हालांकि दमकल कर्मियों ने पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तब तक शोरूम में लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें कई ट्रैक्टर भी शामिल हैं। आसपास कहीं कोई नुकसान नहीं और किसी तरह की जनहानि भी नहीं है, जरूर जलने का संज्ञान आया है। दमकल कर्मियों के साथ पुलिस की टीम भी आग बुझाने में जुटी रही और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लखनऊ में हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें जाति के आधार पर जनगणना कराने के फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया, क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद योगी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए 3 महीने के अंदर जाति के आधार पर जनगणना पूरी करने की दलील दी। मुख्यमंत्री जी ने इस पे निर्णय लिया था कि ये जो छूट गए हैं लाभार्थी, उनका भी जल्दी से जल्दी सर्वे किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले को समझ से परे बताते हुए यूपी सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। उन भाई बहनों को वंचित रखा जाएगा जो किसी वर्ग से आते हैं। विपक्ष सरकार के इस फैसले में सियासी साजिश देख रहा है। उसका आरोप है कि सरकार टिकट बंटवारे में इस जनगणना की मदद लेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 48 साल के आतंकी सज्जाद गुल को कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। मैनेजमेंट ग्रेजुएट सज्जाद गुल 5 साल पहले पाकिस्तान चला गया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले आतंकी सज्जाद ने बेंगलुरु के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से MBA किया था और फिलहाल वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहता है। पुलिस के मुताबिक राइजिंग कश्मीर के एडिटर इन चीफ शुजात बुखारी की हत्या का आदेश लश्कर सरगना हाफिज सईद ने दिया था। सज्जाद ने 2 लोकल आतंकियों को शुजात की रेकी और हत्या का जिम्मा दिया था। शुजात बुखारी ने केंद्र में रमजान सीज फायर का समर्थन किया था। इस वजह से लश्कर समेत कश्मीर में काम कर रहे दूसरे पाकिस्तान नियंत्रित आतंकी संगठन उनसे नाराज चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक मुस्लिम लड़की अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने एक पुलिस अधिकारी के दफ्तर पहुंची। MA की डिग्री ले चुकी इस लड़की का आरोप है कि उसके पिता ने आगे की उसकी पढ़ाई पर पाबंदी लगा दी और साथ ही उसके घर से निकलने पर भी रोक लगा दी गई। इसके बाद ये लड़की अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पुलिस अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई। लड़की की ख्वाहिश प्रोफेसर बनने की है, लेकिन आरोप है कि इसके पिता को उसकी पढ़ाई मंजूर नहीं। लड़की ने पढ़ाई रोकने के लिए अपने पिता पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। हमारी कोचिंग बंद हुई है, तो कहीं जाने नहीं देते हैंगे, शादी के लिए जा रहे हैं। हाथों में अपनी किताबें लेकर दफ्तर पहुंची लड़की ने पुलिस अधिकारी से मदद की गुहार लगाई। जो भी लीगल एक्शन होता है, हम लोग इस पे ले रहे हैं, पूरी पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता। पुलिस अधिकारी ने लड़की की आपबीती सुनकर उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया और उसके परिवार से बातचीत के बाद मामले को सुलझाने का भरोसा दिया। MP के जबलपुर में प्रदर्शन कर रहे NSUI के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक बैरिकेड पर चढ़ गया, जिसे पुलिस वाले खींचने लगे। NSUI के कार्यकर्ताओं ने वहां बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिनका रास्ता पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। तभी NSUI के एक कार्यकर्ता ने बैरिकेड को गिराकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। इस दौरान दूसरे कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। NSUI के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। हंगामे के बीच NSUI ने बेरोजगारी के खिलाफ और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे साथी ऐसे ही सड़कों पर लट खाते रहेंगे, अपना खून बहाते रहेंगे। इस अफरा तफरी में कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं और एक कार्यकर्ता वहीं जमीन पर बैठ गया, लेकिन NSUI के कार्यकर्ता फिर भी नहीं माने और उन्होंने कुछ देर बाद दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद वो फिर से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे और अपने संगठन के समर्थन में नारे लगाने लगे। तभी कुछ पुलिस वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लस प्रदेश अध्यक्ष के साथ 20-25 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। इस पूरे हंगामे से पहले NSUI ने एक मार्च भी निकाला, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।
डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 69 रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि बाद में इसमें कुछ पैसे का सुधार जरूर हुआ। रुपए में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। पहली बार हुआ है जब डॉलर का भाव 69 रुपए के पार पहुंचा। तो हाई क्रूड ऑयल प्राइस इज बैड फॉर अस, और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर वाइडन होती है तो उसकी सीधी असर हमारी करेंसी पे देखने को मिलती है। और आज ये नतीजा है कि हम हिस्टोरिक लो देख रहे हैं रुपी का डॉलर के मुकाबले, और ये यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टनटी है। शायद क्रूड ऑयल प्राइसेस और भी यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय, यानी बेसिकली एक अगर शब्द में कहते हैं, एक एक्सप्रेशन में कहूँ तो हेडविंड्स सारे दिखाई दे रहे हैं, कोई टेलविंड नहीं। क्या मोदी जी के आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव है? क्या ये जो मोदी जी बातें करते थे डॉलर के सामने या डॉलर वाले के सामने, मोदी जी ने घुटने टेक दिए? वरना कोई कारण नहीं कि आज इतने नीचे गिरता रुपया। और आज मैं बताऊं आपको, 2013 के बाद आज सबसे ज्यादा अगर गिरावट कभी हुई है तो आज हुई है। मोदी सरकार के डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट का आज रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक एम्बुलेंस में आग लग जाने के बाद लोग उस पर पानी डालने लगे। सड़क पर दौड़ती हुई एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद मरीज और बाकी लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई और कोई कुछ समझ पाता तब तक एम्बुलेंस धूं-धूं कर जलने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने जलती हुई एम्बुलेंस पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में दमकल की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। दमकल कर्मचारियों ने आग को बुझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। आग बुझाने के बाद भी जली हुई एम्बुलेंस को देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग मोबाइल फोन के कैमरे से एम्बुलेंस का वीडियो भी बनाते दिखे। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 11 विधायकों के खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों के खिलाफ साजिश के आरोप के तहत चार्जशीट दाखिल होगी। दोनों पर 19 फरवरी की रात को सीएम के घर पर मारपीट का आरोप लगा है। हॉलैंड के एम्स्टर्डम में एक आदमी ने अपनी सफेद वैन से वहां के एक अखबार के दफ्तर की इमारत में टक्कर मार दी और फिर उसने वैन में आग लगा दी। अखबार के दफ्तर पर हमले का यह वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक सफेद वैन इमारत की शीशे की दीवार से टकराती हुई दिखाई दी। यही नहीं, आरोपी ने वैन को रिवर्स करते हुए दीवार में दोबारा टक्कर मार दी। इसके बाद वो अपनी वैन से उतरा और वैन का पिछला दरवाजा खोलकर उसमें जलने वाली कोई चीज फेंक दी, जिसके बाद वैन धू धू कर जलने लगी। आग लगने के बाद आरोपी वहां सड़क पर पहले से खड़ी एक कार में बैठकर फरार हो गया। अखबार के दफ्तर पर हमले की सूचना मिलते ही कुछ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और वैन में लगी आग बुझाने में जुट गए। दमकल कर्मियों ने वैन पर पानी की बौछार की, लेकिन तब तक वैन जलकर राख हो चुकी थी। इस घटना के बाद वहां के प्रधानमंत्री मार्क रुते ने अखबार के दफ्तर में हमले की निंदा की और इसे मीडिया और लोकतंत्र पर हमला करार दिया। झारखंड की कोटी में अपने मकान से 3 सुरक्षा कर्मियों के अगवा होने के बाद बीजेपी सांसद करिया मुंडा ने अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया। करिया मुंडा ने घटना का जिक्र करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा बताया और सुरक्षा कर्मियों के अगवा होने की घटना पर चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर राज्य की रघुवर दास सरकार पर हमला बोला। अगर राज्य सरकार लिख दे कि हम संभव नहीं है तब केंद्र सरकार करती है ना, अब जिस तरह से काम करेंगे परिणाम उसी निकलेगा। बीजेपी सांसद ने सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को खरी खरी सुनाई तो विपक्षी दल भी सीएम रघुवर दास के खिलाफ हमलावर हो गए। सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है, इसको लेकर यहाँ के आदिवासियों के अंदर काफी आक्रोश है। जेएमएम के हमले के बाद कांग्रेस ने भी राज्य के हालात पर चिंता जाहिर की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक पुलिस ने अभिनेता प्रकाश राज की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की जांच कर रही एसआईटी की टीम के मुताबिक गौरी लंकेश के संदिग्ध हत्यारे प्रकाश राज को जान से मारना चाहते थे। एसआईटी को जांच के दौरान पता चला कि संदिग्ध हत्यारे हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी को लेकर प्रकाश राज, गिरीश कर्नाड लेखक और कांग्रेस नेता बीटी ललिता नायक संदिग्ध हत्यारों की हिटलिस्ट में थे। प्रकाश राज ने हत्या की साजिश को लेकर दावा किया कि वो किसी से नहीं डरते और जो सवाल उठाए थे उन पर अभी भी टिके हुए हैं। When people like us, who are not against any religion, but we are against anybody using religion and to make politics, whether it is a Hindu religion, whether it is a Muslim religion, whether it is a Christian, any religion, which tries to become fanatics and wants to negate
wants to remove other religions and wants to become dictators, we are against that because that is not what human dharma is. लोगों की निगरानी के लिए चीन ने बेहद खुफिया तरह के ड्रोन तैयार किए हैं जो हूबहू किसी परिंदे की तरह दिखते हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन के कम से कम 5 प्रांत ऐसे हैं जहां ये ड्रोन तैनात भी कर दिए गए हैं, जो न केवल पक्षियों की तरह दिखते हैं बल्कि पक्षियों की तरह पंख भी फैलाते हैं। यानी दूर से आसमान में उड़ते ड्रोन को देखकर भरोसा करना मुश्किल होगा कि ये कोई पक्षी नहीं बल्कि एक ड्रोन है। ड्रोन को बेहद आधुनिक बनाया गया है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इतना ही नहीं, ड्रोन में हाई डेफिनेशन कैमरे, GPS, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सुविधा भी है। यानी हर पल चीन इन ड्रोन की मदद से अपने नागरिकों पर नजर रख सकता है और कोई भी अनहोनी घटना पर होने पर सुरक्षा एजेंसियां बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंच सकती हैं। हालांकि इन ड्रोन की कमी ये है, इनमें कमजोरी ये है कि बारिश, बर्फबारी या तूफान जैसे हालात में ये काम नहीं कर पाते। इसलिए इन ड्रोन की तकनीक को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके लिए डव नाम का एक खास प्रोग्राम तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक 8 साल की मासूम के रेप के आरोप में पुलिस ने 20 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को CCTV के आधार पर गिरफ्तार किया जो मंडी में बोरे ढोने का काम करता है। आरोप है कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाली मासूम को स्कूल से लौटते वक्त अगवा किया गया और रेप के बाद बुरी तरह जख्मी मासूम को बेहोशी की हालत में झाड़ियों में फेंक दिया गया। फिलहाल मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार ने देश के 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन 5ों प्रोजेक्ट पर आने वाले कुछ महीनों में काम शुरू हो सकता है। इनमें दिल्ली समेत 3 राज्यों के 5 मेट्रो प्रोजेक्ट पर कुल 1,70,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि मध्य प्रदेश, जो चुनावों के बेहद करीब है, वहाँ मेट्रो का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने की योजना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेट्रो की 104 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी जिस पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 95 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी जिस पर 22,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 16,000 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर लंबी मेट्रो की लाइन बिछाई जाएगी और आगरा में 30 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने पर करीब 12,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जबकि दिल्ली में मेट्रो के 4थे चरण के तहत करीब 61 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जानी है जिसके लिए 29,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रक्षा सौदों की संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने 1 साल से सेना का बजट कम करके उनके मनोबल को गिराया है। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के पक्ष में है और सेना के साथ खड़ी है, लेकिन बीजेपी सरकार सेना के जरिए राजनीति बुनाने की कोशिश में है। अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स द्वारा भारी भरकम प्रचार प्रसार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा श्रेय सेना की बजाय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को दे डाला। देश के लिए जान की बाजी तो सैनिकों ने लगाई, परंतु भाजपा ने महिमामंडन किया मोदी जी का। भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने तो हद ही कर डाली, जब सेना के 70 सालों के गौरवशाली इतिहास और बलिदान का अपमान करते हुए 7 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में यहां तक कह डाला कि 68 सालों में भारतीय सेना पहली बार LOC के पार गई है, और ये भी भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर किए गए कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, कांग्रेस ने जो सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आया है उसको कहा है कि ये कोशिश करती है बीजेपी मोदी सरकार कि सैनिकों के बलिदान का राजनीतिक फायदा उठाए। देखिए, जो सुरक्षा पर संघीय सियासत के सूत्रधार हैं आज वो खुद सवाल के घेरे में आते हैं। जो लोग जो है वो देश की सुरक्षा, देश के सुरक्षा बलों पर बेशर्मी के साथ सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, फिर से एक बार वो एक्सपोज हुए। ये पहला मौका है जब सुरक्षा जैसे, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, सियासी सवाल खड़े किए जा रहे थे। पूछा जा रहा था कि कितने बजे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कहाँ हुई, कितने लोग मरे, कितने लोग गए। एक तरफ सवाल यहाँ खड़ा किए जा रहे थे और दूसरी तरफ सीमा पार से कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे थे। और मुझे लगता है कि ये जो सुरक्षा पर भी सनकी सियासत है और उस सियासत के सूत्रधार हैं,
उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए।